Hello students, today we are going to discuss fill in the blanks from lesson number 5, Indians' gifts to the world, second part, purity is power. देखिए first we dash 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 for pure heart and pure love. प्योर हार्ट, शुद्ध पवित्र हृदय और पवित्र प्रेम के लिए हम क्या करते हैं, वी यर्न, है ना, हम उसकी याचना करते हैं, वाई ई ए आर एन, यर्न. सेकेंड, प्योरिटी ऑफ डैश 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 इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, मतलब आत्मा, सोल, है ना, उसको एलिवेट, उसके उत्थान, सेरेनिटी जो है वो क्या है, प्योरिटी ऑफ व्हाट, प्योरिटी ऑफ, तो इसका है एनवायरनमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी. थर्ड, डैश 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 हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, मतलब डैश 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 हैज़ नो प्लेस, किसके लिए कोई स्थान नहीं होता है, तो आंसर है इविल, बुराई, ई वी आई एल, इविल, इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी. फोर्थ, विलन्स हु कम टू हार्म स्टैंड इन डैश 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 इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, विलन्स जो होते हैं, जो हमेशा आते हैं टू हार्म, नुकसान पहुंचाने के लिए, स्टैंड इन डैश डैश डैश, वो खड़े हो जाते हैं इन एडोरेशन, एडोरेशन मतलब प्रशंसा में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के, प्योरिटी की उपस्थिति में, एडोरेशन मतलब स्तुति भी कहते हैं इसको, ठीक है. फिफ्थ, डैश 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 was wonderstruck by the affectionate words of the pure soul, मतलब प्रभावशाली शब्दों, affectionate, बहुत ही दया से भरे, शुद्ध जो आत्मा थी, ठीक है, पावहरी बाबा की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन उनकी बातों को, उनके व्यवहार से बहुत ज़्यादा wonderstruck हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, द आंसर इज द थीफ, चोर. द थीफ वॉज wonderstruck by the affectionate words of pure soul. Sixth, the test of genuine purity is in its dash 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 ability. Purity मतलब genuine purity का जो test है, उसकी जो परीक्षा है, वो उसकी किस क्षमता में छिपी, एबिलिटी में छिपी हुई है, तो दैट इज मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी. मेटामॉर्फोजिंग मीन्स द एबिलिटी विच ट्रांसफॉर्म्स. जैसे पावहरी बाबा एकदम जिनाइन प्योर थे, जिसके कारण जो थीफ था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी तरीके से बदल गया, है ना, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, एम ई टी ए, मेटा एम ओ आर मोर फॉजिंग, पी एच ओ एस आई एन जी, फॉजिंग, मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी. सेवन्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो डैश 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 एज वेल, मतलब जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, फाइव एलिमेंट्स, ऑल ऑफ अस नो, हैव द एबिलिटी, उसमें एबिलिटी होती है, क्षमता होती है टू प्योरीफाई, पवित्र करने की, शुद्ध करने की, नॉट ओनली थिंग्स, केवल वस्तुओं को नहीं, बट ऑल्सो डैश 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 एज वेल, मतलब इसके साथ में, वस्तुओं के साथ साथ में, और किसको वो प्योरीफाई करता है, तो बींग्स, जीवों को भी वो प्योरीफाई करने की एबिलिटी, क्षमता रखते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी to purify not only things but also beings as well, b-e-i-n-g-s, beings. Eighth question, sometimes insufficient and improper training dash 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 the inborn traits of virtue,
समटाइम्स कभी कभी इनसफिशियंट अपर्याप्त एंड इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर मीन्स गलत तरीके से। जो ट्रेनिंग होती है ना प्रशिक्षण, वो क्या करता है, स्पॉइल्स बिगाड़ देता है। SPOILS स्पॉइल्स, क्या स्पॉइल्स कर देता है, दैट इज दी इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, जो जन्मजात जो हमारे जो गुण हैं, अच्छाइयां हैं, उनको भी कभी कभी जो है वो अगर इनसफिशियंट और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो वो स्पॉइल कर देता है। 9th, पैरट्स कैन --- ह्यूमन स्पीच। पैरट्स जो होते हैं, तोते जो होते हैं, वो मानवीय जो स्पीच है उनका, उनके जो बोल है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, हूबहू उसकी नकल कर सकते हैं। आप राम राम कहोगे तो तोते भी राम राम बोल सकते हैं। इसको कहते हैं टू इमिटेट, इमिटेट करते हैं वो, IMITATE इमिटेट। पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। लास्ट 10th क्वेश्चन, बोथ द पैरट्स वर --, दोनों जो तोते हैं इस कहानी में वो क्या थे, दोनों ही ब्रदर्स थे, BROTHERS ब्रदर्स, ठीक है। एक को अच्छी कंपनी मिलती है, एक को बुरी कंपनी मिलती है। अच्छी कंपनी वाला जो है वो बहुत अच्छा उसका बिहेवियर हो जाता है, और बुरी कंपनी वाले का बुरा बिहेवियर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा लेसन भी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं। एंड दिस टेन फिल इन द ब्लैंक्स हमने अभी पढ़े, प्योरिटी इज़ पावर से। थैंक यू।